आज क्या हो रहा है कि जो मीडियोकर एक्टर मीडियोकर जो है चाहे वो कोई भी हो जी। है ना उनके पास पैसा है उनके पास सोर्सेज हैं उनके फ्रेंड्स हैं अप्रिशिएट करने के लिए यू नो you know? अगर दस लोग बोल रहे हैं कि ये परफॉर्मेंस अच्छी है और हमें लग रहा है कि यार इसमें परफॉर्मेंस में इतना कोई खास कोई चैलेंज भी नहीं है कुछ भी नहीं है लेकिन लोग अप्रिशिएट कर पता चला उसका वो हवा उसका वो हवा बनाई जा रही है यू नो तो वो थोड़ा सा वो दिक्कत होती है कि यार हमने तो ऐसा देखा था वैसा कुछ था कुछ समझ में नहीं आ रहा आजकल उस आदमी के पास मार्केटिंग है ए पी है सब कुछ है उस आदमी के पास दोस्त यार हैं जो उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं उसको बनाया जा रहा है बाकायदा यू नो तब थोड़ा सा इस ज़माने में लगता है कि हाँ भाई मीडियोकर का जो मामला है जाना उनके पास सोर्सेज होता पैसा बहुत होता दोस्त यार बहुत होते हैं उनको अप्रिशिएट करने के लिए चाहे वो नसीर साहब हों चाहेफान भाई हों चाहे मनोज वाजपेयी हों चाहे मैं हूँ कोई भी हो इस तरह के जो और भी जो अच्छे एक्टर हैं उनको लेके कभी किसी ने बड़े बजट की फिल्में बनाई नहीं यू नो जबकि आप हमेशा बोलते आ रहे हैं सब लोग बोलते आ रहे हैं कि ही इज़ अ ग्रेट एक्टर ही इज अ ग्रेट एक्टर बड़े परफॉर्मेंस लेकिन इस इस इंडस्ट्री में उनको लेकर कभी किसी ने पचास करोड़ तक की फिल्म नहीं बनाई होगी hmm. वो ऑब्वियसली एक एक डिस्टर्बिंग टाइम भी था राइट right? तो हाउ आर यू इज आई 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 वांट आस्क। एम एम गुड फाइन मेरे बच्चे वहाँ स्टडी कर रहे हैं उस, उससे उससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है मेरे लिए

उनके फिल्मों से आपको ये पता चलता है कि वो निडर है अपने को लेके. नवाज़ुद्दीन. नवाज़. कितना अच्छा लग रहा है आपके घर में बहुत दिन आबाद आयु में हाँ अच्छा लग रहा है लेकिन हमने प्रॉमिस तो पहले किया था तो पहले आएंगे अब hmm. ऐसा कुछ हुई, हुई नहीं पाया हो ही आपको सबको साइड रख के ना

दूसरा बात यह है कि हाँ जिंदगी इतनी आसान तो होती नहीं थोड़ी दिक्कतें होती है, दर दर होती हैं इधर उधर पुराने वाले घर की याद आ गई मैंने आपको आते हुए बोला था उसमें उसमें भी एक बहुत बड़े प्यार से जैसा कि ये घर है मुझे यहाँ पे आपकी मेहनत दिखती है उस घर में मुझे आई थिंक और ज़्यादा मेरे लिए स्पेशल लगता था मुझे क्योंकि यू you नो know, उसमें भी आपकी पूरी मेहनत आपकी पूरी स्ट्रगल मुझे दिखाई देती थी और मुझे एक, एक बहुत सुकून सा लगता था उस घर में आ, कभी याद करते हो आप वो दिन हाँ या, 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 याद याद करता याद मतलब क्या किस तरीके से याद करता हूँ हाँ कुछ वो कुछ चीज़ें जुड़ी होती हैं कुछ मेमोरीज होती हैं आपकी है ना बट आई थिंक आगे बढ़ते रहना चाहिए उन सब चीज़ों को छोड़ते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे घर वर्ग का बिल्कुल शौक नहीं है कि हाँ मुझे कुछ जो थिएटर की पेंटिंग लगी हुई उनका बड़ा शौक है एक्चुअली जी और इस हाँ। घर में जहाँ पे आपने आपने मुझे कहा कि जहाँ जो जो प्लेज आपने की उन सब की उन सब की मैंने लाइक वेटिंग फॉर गोडो थेलो हेमलेट शेक्सपियर उनके सबके प्लेज किए हैं और ये जो है भाई साहब इन्होंने तो हमारा दिमाग ख़राब कर ही रखा है ये है कॉन्स्टेंटिन इन स्टैंड की जी जिनकी मैथड एक्टिंग के नाम से जानते हैं पूरी दुनिया इनको हाँ, और आप पर्टिकुलरली तो, क्या आपने काफ़ी फॉलो किया हुआ है हाँ मैं तो फॉलो करता हूँ जब भी वक्त मिलता है जब भी कोई ऐसी फिल्म मिलती है मुझे जहाँ पे इनकी एक्सरसाइजेज यूज़ की जा सकती वहाँ करता हूँ आज के नवाज को कैसे स्क्रिप्ट सेलेक्ट करता है जो कि पहले के नवाज़ करता था उसमें क्या फ़र्क है मुझे लाइक जैसे जैसे मैं लाइक टाइम होता जाता है तो मुझे लगता है कि मैं और ज़्यादा कैरेक्टर ओरिएंटेड और आ, मुझे स्टोरी का इतना ज़्यादा वो नहीं है फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे कॉकिनस और थोड़ा एप्सडिटी जैसे मैंने पहले बताया कि ये वेटिंग फॉर गोडोस सेमल बेकट का प्ले है अगर आप उनके प्लेस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कितनी एब्सिडिटी थी लेकिन एप्सिडिटी के पीछे एक जो एक जो रियलिटी होती है हार्ड कोर रियलिटी होती है वो होता है तो मुझे इस तरह के परफॉर्मेंस भी इस तरह के माइंडसेट एक्सप्लोर करने में बड़ा मजा आता है जोगी आई थिंक जोगी में भी है थोड़ा बहुत जोगी में भी है हां ही इज अ लिटिल अब्सर्ड इन दैट वे हां अब्सर्ड सा अनप्रेडिक्टेबल अनप्रेडिक्टेबल हां और जुगाड़ू जुगाड़ू हां आप भी जुगाड़ू है इन अ वे हां छोटी-छोटी चीजों के लिए जुगाड़ किया मैंने मुझे बता एग्जांपल दो <laughs> जब मैं एन में मैंने सिलेक्शन लिया वहाँ पे दस प्ले की ज़रूरत थी वहाँ पे मैंने पाँच लिख के पाँच प्ले लिख दिया था और पाँच झूठ लिख दिया था पाँच प्ले का <laughs> जो क्वालिफिकेशन <qualification, laughs> वो मतलब उसके लिए एग्ज़ाम के लिए नहीं। नहीं। वो लिख वो उस तरह के लाइक कभी कोई था नहीं यहाँ वो दस बारह दिन पहले जब कोई था नहीं यहाँ पे मॉर्निंग में तो सुबह मुझे क्योंकि शाम का मैं खाना कम ही खाता हूँ तो सुबह खाना बनाना तो क्या करूँ भिंडी तोड़ताड़ के ऐसे चाकू नहीं था तो हाथ से भिंडी तोड़ताड़ के सारी ये सब ऐसे डाल दिए और नमक वो मिला के सब कुछ जीरा वीरा हल्दी वल्दी सब मिला के खाना बना के खा गया तो इस तरह के जुगाड़ तो रोजमर्रा करता रहता हूँ लाइक like अभी ये मेरे एक दोस्त की थी ये जैकेट तो मैं क्या मैंने तू जरा जैकेट जैकेट दे पहन के बैठ गया ये छोटे मोटे जुगाड़ चलते रहते हैं ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए क्या जुगाड़ किया जुगाड़ नहीं किया ना ना इतना एक बार जुगाड़ करने गया भी था मैं मेरे ख्याल से हाँ राजपाल और मैं हम एक ऑफिस में गए जुगाड़ से राजपाल चाह रहा था कि मेरा भी उसमें हो जाए सिलेक्शन उस, उस किसी कैरेक्टर के लिए तो हम किसी ऑफिस में गए ऑफिस में जब पहुंचे तो हम ऐसे ही बैठे हुए थे इधर एक रूम था डायरेक्टर का डायरेक्टर प्रोड्यूसर का रूम था और मेरे अलावा राजपाल और मेरे अलावा दो लोग और बैठे हुए थे कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर बैठा हुआ था और एक सेट डिज़ाइनर बैठा हुआ था तो हमने उनसे पूछा भाई आप किस लिए आए बोले सर हमें बुलाया है आज सेट के लिए मैंने कहा आप बोले मुझे कॉस्ट्यूम के लिए बुलाया <laughs> जो अंदर था अंदर से आवाज़ आई चीखने की hmm. ऐसा लग रहा किसी की पिटाई हो रही है जी. तो बाद में जब वो निकला वो कोई एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर था hmm. या तो जिसको बुलाया था hmm. या प्रोडक्शन का बंदा था hmm. तो उसकी पिटाई कर रहे थे वो डायरेक्टर जब वो रोता हुआ निकला तो मने कहा क्या हुआ भाई क्या हुआ तो साइड से निकल गया वो भाग गया फिर जो डायरेक्टर था उनका असिस्टेंट आया हमने उससे पूछा भाई क्या क्या हुआ क्या बोले हमने इसको रखा था पैसे ज्यादा बता रहा था तो बोले चलिए अब आपकी बारी है सेट डिजाइनर को बोले <laughs> तो <laughs> वो जैसे oh गया हाँ राजपाल और मैं इधर से भाग गया <laughs> तो इस तरह के जुगाड़ करने की कोशिश की हमने कि शायद हो जाए सिलेक्शन हो जाए कैसे भी करके बट आ, फेल हो जाते हैं कभी कभी जुगाड़ तो ऐसे भी है लेकिन मुझे लगता है बड़ा ही इंटरेस्टिंग था जुगाड़ का तरीका था बट मुझे लगता है आपने दूसरी जुगाड़ ये भी तो की होगी कि मतलब घंटों घर किसी के यू नो सेट के वहाँ पे वेट करना या कि एक मुलाकात हो जाए किससे बात करना वो सब तो किया ही होगा आपने एक्चुअली किया था उसका भी एक फिल्म सिटी में शूटिंग चल रही थी तो हमने बोला कि भाई हमने जो उसकी प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर थे वो आए नहीं सर कुछ काम आम दे दीजिए क्या है बोले रुको अभी मैं ज़रा स्टूडियो में जाके आती हूँ तो गए तो वापस आए नहीं हमें बोले हम और हमें बोल के गए वो कि आप यहीं खड़े रहना ठीक है मैं आता हूँ मैं जाके देख के आता हूँ मैंने ठीक है वो चले गए हम वहीं खड़े रहे धूप थी वहाँ पर दो ढाई घंटा धूप में खड़े रहने के बाद चेहरा भी बिल्कुल कोयले की तरह हो गया हमारा तो जब वो वापस आए दो घंटे के बाद हमने पूछा उसने पूछा क्या है बोले आप बोल के गए थे ना कि यहाँ खड़े हो तो हम नहीं खड़े थे तो बोले मैंने तो मजाक किया था ले <laughs> भाई और आप वेट, वेट कर रहे कितने बहुत, बहुत ज्यादा हाँ, तो लेकिन कभी कभी हंसी भी आती है सोच के वो टाइम भी था जब वैसे मतलब मिलने के लिए दो मिनट दो मिनट दो घंटा वेट करना रहे दो घंटा और बहाने होते थे कल आओ है वो जर्नी याद आती है हाँ कभी कभी फ़ोन पे वो फोन पहले तो यही होता था फ़ोन फ़ोन वोन पर बात कर लियो सर आपने बोला था एक महीना पहले मिलने के लिए कौन 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 है मैंने सर मैं नवाज़ तो कब बोला था मैंने एक महीने पहले बोला था ना एक महीने के बाद फ़ोन करना तो कर रहे हैं सर तो एक महीने के बाद कौन फ़ोन करो तो इस तरह के एक एक दो दो तीन तीन, तीन, तीन चार चार महीने ऐसे करते हुए चल जाते थे हाँ नवाज़ कभी ऐसे जब बाद में जब ऐसे लोगों से तो आप, आपको इतने सारे रोल्स मिले आपको गया इनसे मुलाकात हुई ने, नहीं था कुछ नहीं किया बट वो भी क्यों करता बेचारा क्योंकि हमारे अंदर कोई एक्स्ट्रा सुरखाब मतलब कहते ना सुरखाब के पर तो लगे भी नहीं थे हमारी पर्सनैलिटी में क्या एक्स्ट्रॉडरी है हमारी और माई गॉड दिखते ही बंदा लगता है

उनके काम है मैं मैं देखो को, कोई मुंशी बनने तो आया नहीं था यहाँ पे <laughs> भाई खाते लेके भाई हाँ कितना बॉक्स ऑफिस हुआ क्या हुआ ये सब मेरा काम थोड़े ही है एक्सपर्ट मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ उस चीज़ में बिल्कुल। जो एक्सपर्ट हैं वो देखें इस चीज़ को ये मेरा फील्ड भी नहीं है मेरा क्या काम है भाई मुझे आ, आपने अपनी फिल्म में लिया मैं कितना ऑनेस्टी के साथ कितना कोशिश कर सकता हूँ कितना अच्छा काम करके आने की कोशिश कर सकता हूँ ये मुझसे आता है बस इससे ज़्यादा वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है किसी एक्टर से पूछना भाई ऑडियंस किस तरह भाई मैंने स्क्रिप्ट आपने मुझे स्क्रिप्ट दी मैंने लगा कि हाँ मुझे करना चाहिए ये मैं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें गुंजाइश है एक्सपेरिमेंट करने की इसलिए मैं फिल्म कर रहा हूँ बीच बीच में वो कमर्शियल फिल्में कर लेता हूँ मैं जिसमें विलन विलन कर लेता हूँ वो वो अच्छा है वो मेरे गाँव के लोग भी देखते हैं वो फिल्म ये भी देखते हो हाँ बट ये पहुंचती नहीं माना वहाँ तक पहुँचती जब वो फिल्में करते हो तब बोलते हैं नवाज भाई फिल्म कर रहे हैं हाँ नवाज भाई अरे नवाज भाई देखा आपको उसमें थैंक यू मेरी वो दूसरी फिल्म आई थी वो नहीं देखो कहाँ कौन सी क्या कब तो इसीलिए मुझे नेहा ने बोला कि ये करें दो तीन ऑप्शन दिखाती थी वो ये वाली करें ये वाली करें मैंने क्यों तो बोले करते हैं ना तो मैंने ठीक है चलो ये वाला कर लो मैंने ठीक है कर लिया तो इसलिए क्या करें आप फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं बट तो जरूरी है एज एन एक्टर आप सोशल आप मीडिया के साथ अपना रिलेशनशिप अपना डिस्क्राइब करोगे देख कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा अपना कमाई का एक जरिया भी है ये mm. ये भी बात है और उन लोगों के लिए अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से यूज़ कर रहे हैं आप अदरवाइज mm. तो क्या होता है ना अभी किसी मैंने कोई आर्टिकल पढ़ा था अभी उसमें किसी बहुत बड़े कान में किसी बहुत बड़े डायरेक्टर ने बोला तो जो सोशल मीडिया है ये स्क्रॉलिंग करने की आदत डालता है जिसमें कोई थिंकिंग आपकी नहीं होती है ना तो सिर्फ स्क्रॉल करते जा रहे हैं और आप थोड़ा सा बाथरूम गए और वापस आने के बाद मैं पूछूं क्या देखा था अभी दो दो घंटे तक तो जो स्क्रॉलिंग करके देख रहा था क्या देखा उसमें तो सब भूल जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता आपने क्या देखा इतना शॉर्ट होता है वो। इतना मेमोरी शॉर्ट होती है उनकी तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके ये वाला जो मसला है थोड़ा डेंजरस भी हो सकता है क्योंकि आपकी थिंकिंग की जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाएगी कभी ना कभी ये तो फैक्ट है क्योंकि आप हैबिचुअल हो गए उसके स्क्रोलिंग के ये ये चल रहा है ये चल रहा ये चल रहा है ऐसे वो भी है लेकिन कुछ लोग अच्छे कॉज के लिए भी यूज़ करते हैं विच इज़ वेरी गुड ये भी है आपने कान मेंशन किया और कान भी फ़िलहाल यू नो ऑलमोस्ट ओवर हो गया है इट्स ऑलमोस्ट गोइंग ऑन और uh, मुझे पता है कि आप आप वहाँ काफ़ी फिल्मों को लेके गए हुए हैं एंड एक नंदिता ने ख़ुद एक स्टेटमेंट दिया था और उस पर डिस्कस हो रही थी कि किस तरह से कान कान एक सैक्रोसेंट जगह होती थी फिल्मों के लिए हाँ फैशन के लिए ज़रूर लेकिन अब उस पे ज़्यादा फोकस है कभी कभी उसमें कम हो जाती है जब चका चवंद बढ़ जाता है आसपास वट डू थिंक अबाउट इट कंसिडरिंग यू नो यू ऑलवेज डिन केयर वॉट यू वेयर यू वेर की मेरी फ़िल्म है मैं उसके बारे में बात करने आया हूँ मुझे राय जाननी है नहीं बाकी दूसरी कंट्री में से, से जो आती हैं फिल्में लोग आते हैं अपनी फिल्मों को लेके आते हैं कुछ अपना फिल्म मेकिंग के लिए भी आते हैं वो 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 उनका जैसे आप पूरा यूरोप जाता है कान अमेरिकन आते हैं पूरे कंट्री से लोग हर कंट्री से लोग जाते हैं वहाँ पे वो अपने एक कॉज उस चीज अपने एक उसके उसके, उसके लिए अपनी फिल्मों के लिए जाते हैं या कोई क्योंकि बाजार भी होता है फिल्म का बनाने का फाइनेंसर ये वो उसके लिए जाते हैं हमारे यहाँ जो है थोड़ा सिस्टम अलग है हमारे यहाँ कॉस्ट्यूम चेंज कॉस्ट्यूम के साथ आई डोंट नो किस वजह से जाते हैं हो सकता है उनका कोई अपना पर्पज़ हो ये मेरे को समझ में नहीं आया कि या तो भाई अपने ब्रांड्स के लिए जा रहे हैं हो सकता है ठीक है जाएं अच्छी बात है बट मुझे ख़ुद को लगता है तभी कि जब आपकी फिल्म जाए जाए उसके जा उस उसको लेके जाने का जो मज़ा होता है वो बहुत ही अलग होता है वो बड़ा मज़ा आता है मैं तो जब भी गया हूँ अपनी फिल्म को लेके गया हूँ और वो लगता है कि हाँ चलो किसी एक ठोस चीज के लिए आ रहे हैं बाकी हर आदमी का अपना अपना तरीका है भाई कोई बंद तो कर रखा नहीं कान ने अपने दरवाजे सब जाओ या कान अपने सबके कान खुले हैं वहाँ पे है ना जाओ अपना रेड कारपेट पे अपने हो के आपने आ जाओ क्या फर्क पड़ रहा है अच्छा है ठीक है एक पर्पस हो तो अच्छा है एक पर्पज हो तो अच्छा है बिल्कुल तो आप क्या आज आज के नवाज अपनी बातों को या अपनी जो सोच है क्या आपको लगता है आप थोड़ा संभल डिप्लोमेसी आज सीख गया आप? हाँ, थोड़ा सीख गया मैं. सीख गए आप थोड़ा बहुत गया मैं ना आई आई लाइक द यू टोल्ड और उसको लेके गिल्ट भी होता है anyway, कोई बात नहीं जिम्मेदार हैं

बोला नहीं जाएगा हाँ बोला नहीं जाएगा आज के डेट में पर क्या आज के <laughs> सोशल पॉलिटिकल क्लाइमेट में थोड़ा आप इसी इसी इसको लेकर आप सेंसिटिव हो आप मतलब सोशली नॉट आई थिंक लोग लोग वैसे भी उसको करते हैं पॉलिटिक्स को बदनाम करते हैं खुद के अंदर तो हेटरेट हे, हे भरी पड़ी है तो उनको क्या हम क्यों वो कर रहे हैं मतलब खुद को संभालना चाहिए अपने आप को खुद कितना सच हो सकता है कितना सच बोल सकते हैं हम उसको ट्राई करना चाहिए उसको फाइंड आउट करना चाहिए कि हम सच हैं या झूठ हैं क्या है वो खुद का है सारा यू नो

तो हाउ आर यू इज आईम आई आई एम गुड आई एम फाइन मेरे बच्चे वहाँ स्टडी कर रहे हैं उससे उससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है मेरे लिए value. मैं क्योंकि एजुकेशन को लेकर बहुत अपने मैं जब इवन बचपन में भी मैं अपने छोटे भाइयों को की एजुकेशन के लिए बहुत स्ट्रिक्ट था मैं गांव से हूँ मुझे वैल्यू मालूम है क्योंकि मैंने मैं उन स्कूल्स में बनी गया जिनमें मेरे छोटे भाई गए और आज जब मैं इस लायक हूँ कि मैं अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकता हूँ तो मैं तो क्यों नहीं क्यों नहीं दूंगा क्योंकि मुझे वैल्यू मालूम है एजुकेशन की ंग क्योंकि बिकॉज gets... ऑफ़ एक अच्छी एजुकेशन की वजह से मेरे बहुत साल में पीछे रहा हूँ अगर काश मुझे एक शुरू से एक अच्छी एजुकेशन मिल जाती है शुरू शुरू से मैं इस तरह के स्कूल में चला जाता तो शायद बहुत सारी चीज़ें जो है मैं बहुत जल्दी कवर कर लेता मे बी शायद आई डोंट नो इसलिए मेरे मदर फादर दोनों मेरे फादर किसान थे मेरी मदर housewife वाइफ थी तो उनको बिल्कुल पता ही नहीं था कि भाई एन क्या होती है थिएटर क्या होता है स्टेज क्या होता है उनको पेन तक नहीं मालूम था क्या था इवन मैं अगर मैं सच कि मैं जब पेन जब आता था जी। ये ने, ये पेंसिल तो बाद में आई क्या पहले तो पेन आते थे जी था। बिल्कुल पेन तो, जो आता, आता पेन जो आता बिल्कुल तो मैं क्या करता था इंक पेन के लिए उनसे मैं आता था दो रुपए दो का मैं उनसे फाइव फाइव रुपीज लेता था तो और पेन ला के देखो भाई लेके आया हूँ मैं तो ये पाँच का कैसे है भाई मेरे फादर ने पूछा मैंने देखो इसका एक वो जो टॉप होता है उसका निकाल के रखा मैंने ये देखो दो रुपए का ये है निब निकाल के रखी ये फिफ्टी पैसे की ये है रबर जो है वो एक रुपये की रबर है और बाकी जो नीचे का हिस्सा वो दो रुपए का वो है तो वो यकीन कर लेते इस, थे, इस चीज़ पर जब क्या था, था दो रुपए का लेकिन मैं उनको पाँच रुपए के पाँच आइटम दिखा देता था निकाल निकाल के तो वो जब उस पर यकीन कर लेते तो उनको ऐसे लोगों को क्या पता कि भाई एनएसडी क्या है थिएटर क्या होता है स्टेज क्या होता है जब मैं गया वहाँ पे तो मैंने बताया कि इसके बाद मुझे जॉब मिल जाएगा रेडियो में तो वहाँ से पैसा आएगा तो खुश हो गए बोला बढ़िया बंदा अपना काम कर रहा है लेकिन जब उनको मत बताया कि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ता हूँ एन एस कर रहा हूँ वो थिएटर उसके बाद थिएटर करूँगा या फिल्मों में चले जाऊँगा कुछ पता नहीं क्या होगा या नहीं बट तो उन्होंने ज़्यादा मुझे मेरा विरोध नहीं किया उन्होंने बोला ठीक है जैसा तू हमें तेरे पे बिलीव है जो तू करेगा ठीक ही करेगा टाइप में तो मैं ऐसे लोगों को धोखा दे नहीं सकता था नहीं। हाँ, मुझे पता है ना जो थोड़े से पढ़े लिखे माँ बाप होते हैं वो इसीलिए क्या हुआ ना मेरे माँ बाप ने कभी मेरे पे प्रेशर ही नहीं डाला क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ वैल्यू क्या है एजुकेशन हाँ, उस टाइम पे कभी बोला ही नहीं उन्होंने कि भाई क्या कर रहा है क्या नहीं पढ़े लिखे माँ बाप जो अपने बच्चों को बोलते हैं नहीं ये नहीं ये कर और बच्चे का इंटरेस्ट उस चीज़ में नहीं नहीं ये बेटा वो वहाँ कुछ नहीं कुछ नहीं होगा लाइफ में इधर करो जबकि बच्चे का इंटरेस्ट तो मेरे साथ वो चीज़ें नहीं हुई पर आपकी जर्नी में बहुत गर्व होगा आज यू नो

आपकी है बोलते कि नहीं? हाँ, कुछ हो, कुछ का होता है दि, <laughs> दिमाग में होता है कि नवाज नवाज वाला भाई नवाज भाई नवाज़ वाला हाँ, कुछ हो चाहिए अच्छा है अगर अच्छा इस वजह से मोटिवेट हो रहे वो वहाँ पे तो बिल्कुल बट करना कुछ कुछ तो हो रहा है एटलीस्ट होना चाहिए ना जैसे हमें भी हुआ था ना किसी को देख के हम भी इंस्पायर हुए थे talking about sarara coming back to the film again um, like I said interesting गानी है है और, uh, आपने आपके दिमाग में कैसा था मैं इस किरदार को कैसे प्ले करूँगा हम लोगों ने हमने क्या कियाटर किया कि के दौरान ना बहुत हजारों ने एन एस डी बाद हर दिल्ली की हर चप्पे चप्पे पे स्ट्रीट प्लेस करते थे अमेजिंग होता है है बड़ा मजा हाँ, आता तो मुझे ये रोल करते हुए वो चीज़ याद आई कि इसमें कोई एक्टिंग या कोई परफॉर्मेंस इसकी जरूरत नहीं जैसे कोई एक्टिंग या मेथड एक्टिंग की जरूरत नहीं इसमें सिर्फ इस परफॉर्मेंस है जी, और जो जिस तरह से हम लोग करते थे उसमें कोई करेक्टराइजेशन वगैरह होता नहीं था तो इट्स लाइक ए परफॉर्मेंस यू नो परफॉर्मेंस है उसमें कोई बहुत आप अगर आप सीरियसली इसको देखोगे तो भाई उसमें ऐसा कुछ नहीं बट वो जो स्ट्रीट प्ले का जो नवाज था स्ट्रीट प्ले में जिस तरीके से हम लोग करते थे लोगों लो के इकट्ठा लो करके फिर प्ले शुरू करना जी तो उसमें उसमें इसमें वो चीज है किसी सड़क परमेंस पर करते हैं उस तरह का, है। उस तरह का फील है नॉट लाइक like, बिल्कुल एक मंटो की ठाकरे की तरह कोई कैरे कर रहा हूँ या रमन रागो की तरह हाँ उस तरह का है ए वॉट यू चेरिश मोस्ट जो आपके लाइफ में अपने उसमें सबसे ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है नवाज़ जो कमाया आई थिंक जब एक एक समझदार आदमी एक एक जानकार आदमी सिनेमा का जानकार इंसान जी जब किसी एक सीन को छोटे से किसी एक सीन को अप्रिशिएट कर देता है और उसमें अप्रिशिएट से बेटर ज्यादा वो एनालाइज कर देता है तो उसमें मज़ा आता है वो वो मेरे लिए अचीवमेंट है आई थिंक क्योंकि ये सिनेमा का बंदा है और एनालाइज़ कर रहा है इस सीन को वो उसकी कमी भी है आज की डेट में अगर देखा जाए हम हम लोग सी बहुत ही ईजी हाँ हम लोग ना ईजीली ले रहे हैं सब चीज़ को लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल जब मनोज भाई एक अच्छी परफॉर्मेंस कर करते हैं तो मुझे खुशी होती है ये कंतारा का जो कंतारा का जो कैरेक्टर जो बंदे ने किया वो जब करता है तो मुझे बड़ा मजा आता है कि यार इन क्या सोच रहा होगा जब ये परफॉर्मेंस लास्ट का सीन जब climax, climax जो होता है हाँ ऋषभ क्या सोच रहा होगा जब ये कर रहा होगा कितना डिफिकल्ट सीन है वो किसी एक एक्टर के लिए कितना डिफिकल्ट सीन है मनोज भाई के जैसे हम प्लेस देखते हैं और हम हम देखते थे तब और जब आज देखता हूँ तो मुझे मा, मालूम रहता है वो कौन से माइंडसेट पे जाके वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं इसके अलावा जब मीडियोक से एक्टर की तारीफ़ होती है तब थोड़ा सा लगता है यार ये जो ये मुझे बड़ा भा रहा है ऋषभ शेट्टी की जो परफॉर्मेंस है ये मुझे ये मुझे पता चैलेंज दे रहा है या मनोज वाजपेयी की जो परफॉर्मेंस मुझे चैलेंज दे रही है क्या होता है ना लाइक like, मैंने अपनी लाइफ में मैं सच बता रहा हूँ मैंने किसी कभी कहीं बोला नहीं है मैं किन चीज़ों से किन चीज़ों से इंस्पायर हुआ लाइक जब मैं कॉलेज में था तो मुझे बोला यार कोई एक्टर है उसमें कमाल का काम किया उसने तो मेरी कान खड़े हुए तब तक तो एक्टिंग एक्टिंग से मेरे को ताल्लुक नहीं था तो कौन है भाई कौन है क्या परफॉर्मेंस किया उसने देखा तो परिंदा फिर हम भी परिंदा देखने गए तो जब नाना पाटेकर को देखा माय गॉड होश खराब हो गए हमारे माय गॉड व्हाट ए परफॉर्मेंस व्हाट ए डिफरेंट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस आई सॉ फर्स्ट टाइम इन हिंदी सिनेमा उसके बाद फिर मैं uh, उसके बाद अपने लग गए हम फिल्मों में बहुत टाइम के बाद फिर हम थिएटर में आ गए थिएटर में आने के बाद मैं जब थिएटर दिल्ली में थिएटर कर रहा था फिर अचानक से बहुत सारे लोग आपस में बातें चल रही हैं बैंडिट क्वीन के बारे में सीमा विश्वास ने क्या परफॉर्मेंस किया क्या परफॉर्मेंस जब हम लोग देखने गए फिक्की में उसका प्रीमियर हुआ था और जब मैंने परफॉर्मेंस देखी माय गॉड मैं अपनी एग्जिट भूल गया था उस फिर उस सीमा विश्वास की परफॉर्मेंस को देख के आई थिंक इंडियन फिल्म हिस्ट्री में आज तक इससे खूबसूरत परफॉर्मेंस एक फीमेल की मैंने नहीं देखी होगी लेकिन कोई बात करने वाला नहीं है उसके बाद भीकू मात्रे मनोज वाजपेयी ओ माय गॉड व्हाट ए परफॉर्मेंस जी है ना तो इस तरह की परफॉर्मेंस देख देख के जो है ना मजा आता है और सोचो अगर मेरे वक्त में ये मैं जब यंग हम लोग जब थिएटर कर रहे थे इस तरह की परफॉर्मेंस देख के अगर मैं इंस्पायर हो रहा हूँ तो मैं एक्सपेक्ट भी तो करूँगा कि उसके बाद भी इससे नीचे परफॉर्मेंस मैं नहीं देखूंगा मुझे इस तरह की परफॉर्मेंस चाहिए भाई जिसमें मैं लाइक Like स्पिन में जब कंतारा में जब मैंने वो देखी अगेन वो फीलिंग मुझे आई जो मुझे बीस साल पहले आई थी कि, कि, performance? Performance, इस, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है परफॉर्मेंस ऐसी होनी चाहिए जिसमें कोई ऑप्शन नहीं हो अच्छा बुरा बोलो भाई ये ग्रेट परफॉर्मेंस है नहीं मुझे अच्छी नहीं लगी नहीं मुझे अच्छी लगी अगर ये डिस्कशन हो रहा है उस परफॉर्मेंस इसका मतलब भाई वो परफॉर्मेंस जो है ना डिस्कशन करने के लायक ही नहीं है वो ग्रेट परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस वो कोई ऑप्शन नहीं छोड़ती आप खुद इस आर्ट को क्राफ्ट को की इज्जत करते हो तो आप इस पे आलोचना इसलिए करना चाहते हो uh, you know, क्यों नहीं आते ऐसे आप किस किस तरह से देखते हो उस चीज को जैसे कमल जी मैं, मेरे, मेरे तो फेवरेट एक्टर कमल जी हैं मैं कमल जी, कमल जी की सारी सारी फिल्में देख चुका हूं मतलब इससे अगर आज वो बाहर होते तो मतलब दुनिया भर के ऑस्कर

उनके पास सोर्सेज हैं उनके फ्रेंड्स हैं अप्रिशिएट करने के लिए यू नो you know? अगर दस लोग बोल रहे हैं कि ये परफॉर्मेंस अच्छी है और हमें लग रहा है कि यार इसमें परफॉर्मेंस में तो इतना कोई ख़ास कोई चैलेंज भी नहीं है कुछ भी नहीं है लेकिन लोग अप्रिशिएट कर पता चला उसका वो हवा उसका वो हवा बनाई जा रही है यू you नो know? तो वो थोड़ा सा वो दिक्कत होती कि यार हमने तो ऐसा देखा था वैसा कुछ था कुछ समझ भी नहीं आ रहा आजकल लेकिन जब थैंक गॉड आज की डेट में जब कंता देखते हो तो पता चले यार ये कनेक्ट हो रही है ये नहीं हो रही लेकिन अप्रिशिएट तो कर रहे हैं अब उस आदमी के पास मार्केटिंग है ए पी है सब कुछ है उस आदमी के पास दोस्त यार हैं जो उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं उसको बनाया जा रहा है बाकायदा यू नो तब थोड़ा सा इस ज़माने में लगता है कि हाँ भाई मीडियो का जो मामला है जाना उनके पास सोर्सेज होता पैसा बहुत होता है दोस्त यार बहुत होते हैं उनको अप्रिशिएट करने के लिए तो उनसे पंगा नहीं ले सकते और आई थिंक सोशल मीडिया के जरिए से और भी ज्यादा और भी ज़्यादा बन जाता है लेकिन आई होप लाइक यू राइटली सेड एक और दौर मतलब काफ़ी रेयर होती है कभी कभी आप ऐसे फिल्में करते कभी कभी मनोज जी और बहुत तरह के कुछ एक्टर्स है जो कोशिश बीच में करते रहते हैं कि हम कुछ ऐसा दे सके बस वो बहुत कम होते हैं अनफॉर्चुनेटली एंड यू लाइक यू राइटली सेट तो वी रियली होप कि सच में वो एक दौड़ आए वापस आए हम तो आई थिंक मैं मैं तो होपफुल हूँ बहुत क्योंकि वो दौड़ कभी आया नहीं क्योंकि क्या है चाहे वो नसीर साहब हों चाहेफान भाई हो, चाहे मनोज वाजपेयी हो, चाहे मैं हूँ कोई भी हो इस तरह के जो और भी जो अच्छे एक्टर हैं उनको लेके कभी किसी ने बड़े बजट की फिल्में बनाई नहीं यू नो जबकि आप हमेशा बोलते आ रहे हैं सब लोग बोलते आ रहे हैं कि इज अ ग्रेट एक्टर ही इज अ ग्रेट एक्टर बड़े परफॉर्मेंस लेकिन इस इस इंडस्ट्री में उनको लेके कभी किसी ने पचास करोड़ तक की फिल्म नहीं बनाई होगी यू नो Yeah. में होता है जब लोग चले जाते हैं तब बहुत बोला जाता तब है। बहुत बड़े एक्टर हो जाते हैं महान हो जाते हैं सब कुछ आप ही हो जाते हैं चले जाने के बाद hmm. you know, जीते जी हम लोग हमारी है किस तरह के गानेटली बैकग्राउंड स्कोर होता है वो सुनता हूँ जिसमें नहीं होते हु

very interesting. well on that note we <laughs> we come to our fun 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 segment are you ready? ready? some fun questions. We spoke some some questions. questions spoke deep things now some fun questions. Ready? Hmm. okay फिर भी उनको रखना चाह ऐसे कौन से नाम थे नवाज के जो काफी uh, टीचर थे वो हैदर बुलाते थे मुझे क्यों पता नहीं क्यों बुलाते थे

तो ऐसा कोई है जो फनी वाला जो तो मुझे खुद पता चलता है अच्छा मैं यहाँ हूँ मैं तो बम्बई में लेकिन बोल ले कि मैं वहां ओह माय गॉड मैं तो भूत हूँ कहीं भी हो सकता है <laughs> कहीं भी हो सकता है <laughs> हर जगह हर जगह हाँ। लगे ऐसा कोई फैन प्रपोजल जो नवाज आपको बहुत हंसी आई हो पढ़ के um, क्या फैन फैंस का प्रपोजल हां या तो कुछ ऐसे कमेंट जो ऐसे होते हैं ना कि आपने मतलब किसी फैन ने भेजा हो जिसके पढ़ के मतलब बड़ा ही अतरंगी सा कुछ आया है आपके लिए जो याद होगा तभी ऐसा अगर उतना ही अतरंगी होना चाहिए क्या था वो, वो तो आजकल बहुत अजीब अजीब से भी आ जाते हैं जैसे कि एक आया था सर मुझे पैसा दे दो और मैं भी आपके जैसा एक्टर बनना चाहता हूं <laughs> मतलब पैसे से और एक्टर का क्या मतलब मेरी समझ में नहीं आया आपने बोला नहीं पर सर वो ही तो मैं मांग रहा हूँ अभी जितना बट नवाज टूडे डू यू थिंक यू गेट पेड द वे यू शुड बी जो भी अगर फिल्म की बात अगर है तो उस पर आज की डेट में जो हालत है उसको देख के मतलब सारी चीज़ें तय की जा रही हैं विच इज़ गुड क्योंकि अभी ऐसा माहौल बना नहीं यू नो मैं भी शायद कुछ कुछ साल पहले आ, आप

सीन मैं सीन बोलूंगी अगर आप फिल्म लगता है आपको पूरी अलग तरह से करना चाहते थे तो प्लीज मुझे लगा एक सीन होगा पूरी फिल्म तो बताने आप फिर से अलग से करना चाहोगे कि नहीं बट आपके करियर में कुछ भी हो सकता है मंटो का एक सीन था जहाँ पे वो थोड़ा जो कोर्ट में बैठा रहता है और फिर वो बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद वो एक रैंडम एक फीमेल को पक, लड़की को पकड़ के वो बोलता है अपनी वाइफ समझने लगता है तो उस तरह का वो सीन करते हुए मुझे थोड़ा सा पता नहीं कुछ हो गया तो वो सीन अगर हो तो मैं दोबारा करने का मन करता है वो से हाँ, कर कुछ किया है जो आपके लिए अभी अभी सोच के बड़ा हंसी आता है मेरे साथ तो नहीं हुआ एक लेकिन मैं मैं गया था जिसके साथ बहुत पुरानी बात है जी, मैं एक बंदे के साथ ऑडिशन देने के लिए गया था वो भी एक्टर था मेरा सीनियर जी, तो जिस उसने जिसके साथ जिसके यहाँ पे हम ऑडिशन देने गए थे वो किसी दूसरे ट्रेनिंग स्कूल से था जूनियर था मेरे मेरे बराबर का था लेकिन इसका मेरे जो साथ था उसका जूनियर था तो थोड़ी एक टसन चलती है ना ऐसे अच्छा दादा हैं ऑडिशन देने मेरे यहाँ पे है नहीं, ना नहीं। वो जूनियर था उसकी एक अकड़ थी उसकी जी, भी जी। तो उसने क्या किया जब दादा हमारे दादा हम सीनियर को बोलते हैं बोले दा दादा ने बोला हाँ भाई ऑडिशन देने आया हूँ मैं क्या है बोले दादा देता हूँ अभी पेपर देता हूँ आपको मैं तो उसने दस पेज दे दिए डायलॉग के हाँ, दादा को जी बोले दादा आपको आधा घंटा देता हूँ आ जाओ ऑडिशन देने तो दादा ने देखा दस पेज हैं तो उनकी ऐसे फटके आदमी आ गई <laughs> दस पेज आधा घंटा टेन पेजेस के डायलॉग मुझे भी दे दिए मेरा तो वहीं पसीने छूट गए मैंने दादा मैं तो पता नहीं क्या करूँ मैं तो मैं डायलॉग रटता जा रहा था तो दादा मुझे बोले कि चल जरा चाय की दुकान पर चलते हैं दादा दा, डायलॉग याद नहीं करने के आपको अरे छोड़ना तो, तो गए चाय की दुकान पे चाय उन्होंने भी पी मैंने भी पी और मैं अपना डायलॉग याद कर रहा था दादा डायलॉग याद ही नहीं कर रहे थे दादा ने कुछ याद नहीं किया उसमें से आए हाँ भाई मैं रेडी हूँ <laughs> याद किए थे मैंने याद कर लिए हाँ। थे कोशिश कर रहा था मैं तब तो पूरे डायलॉग नहीं पर दादा ने जाके बोलता है मैं रेडी हूँ तो ऐसे ही कैमरा लग गया उसने क्या है जो जो ऑडिशन ले रहा था उसने अपने दस बारह दोस्तों को भी बुला लिया अच्छा क्या जाओ भाई जरा दादा दे रहे हैं ऑडिशन हाँ देखते हैं आज इनका ऑडिशन है ना टाइप में इस तरह तो दादा ने शुरू शुरुआत की बोले देख तू मेरा वो स्क्रिप्ट का कुछ नहीं बोला उन्होंने तू मेरा जूनियर है तेरी एक वो प्रॉब्लम है <laughs> प्रॉब्लम तेरी ये है कि एक दिन तू साले मेरे घर खाना खाने के लिए आया था भिखारी की तरह हैं तुझे मैंने खाना खिलाया उसके बाद भी तू आया दस बार तू मेरे घर पे आया मैंने तुझे खाना खिलाया आज तू मेरा ऑडिशन ले रहा है और बड़ा मतलब इस तरह का उन्होंने फिर गालियाँ शुरू की माँ की बहन की ये सब गाली उसको साले तेरी औकात कि तू मेरा ऑडिशन ले सके रिकॉर्ड कर इसको रिकॉर्ड कर उसको सबको बुला एक हजार लोगों को बुला तो ते तेरी औकात में इसी कैमरे के सामने तेरी औकात दिखाऊंगा मैं सबको कि तेरी औकात क्या थी आज से पांच साल पहले <laughs> ये सच में और फिर का... ये पूरे ऑडिशन के सामने बहुत मतलब कैमरे के, के सामने हाँ तू तेरे पे तेरी जिंदगी पे साला ऑडिशन लेगा मेरा तेरी औकात ऐसे करके मैं मैं भी ऐसे हो गया माय गॉड ये क्या कर दिया इसने मेरे दादा ने क्या कर दिया मेरे सीनियर ने ऑडिशन से कैंसिल हो गए होंगे उसके बाद ऑडिशन के दे के गाली थूक थक के अपना दादा निकल के मैं भी उनके पीछे <laughs> पीछे भाग मैं मुझे नहीं देने दे रहा ऑडिशन ऐसे हुआ और उसके वो आई एम इन शॉक आल्सो आई एम अ लिटिल लाइक

बहुत सारे लोग एक बार मैंने बोला था तो उसका थोड़ा सा उल्टा ले लिया था आई डोंट नो किस तरीके से न्यूज़ में आया था क्या कि बोला था? सी क्या होता है कि मैं, आप अगर पैसे के पीछे भागोगे ना पैसा कभी आपके हाथ में नहीं आएगा आप इस लायक हो जाओ कि पैसा आपके पीछे भागे तो मैं कह रहा हूँ कि प्रोजेक्ट जो है कोई भी फिल्म ऐसी होनी चाहिए जो लोग पागल जाए उस फिल्म के लिए यू नो प्रोजेक्ट बनाओगे तो फिर वही होगा ना ऐसे टाइप का और वो मतलब कहने का मतलब मेरा यह है कि आर्ट जो है ना बहुत बड़ी चीज होती है आर्ट की वजह से पैसा आप आ सकता बट आप सोचेंगे भाई हम हम हमारे पास पैसा है तो हम आर्ट क्रिएट कर लेंगे ऐसा नहीं हो सकता अगर अगर आपके पास चीजें हैं तो पैसा खुद ब खुद आता है वो एक उस चीज का की कमी लगती है मुझे आर्ट पीछे भागो ना के पीछे के। आर्ट इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग यू नो कि आप, आप चाहे ज़रूरी नहीं कि बहुत खूबसूरत फिल्म बहुत छोटे बजट में भी बन सकती है ज़रूरी नहीं कि उसके लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए करोड़ों रुपए खर्च किए जाए हमें ज़रूरत है बड़ी से ज़्यादा बड़ी फिल्म बनाने से ज़्यादा डीप फिल्म छोटी और डीप फिल्म हो उसकी जरूरत थी महसूस होती है बट बिकॉज यू सेड काफ़ी टाइम्स आपके वर्ड का जो इंटेंशन का वो अलग मतलब निकाला जाता है देखा सर मुझे याद में आपने मुझे खुद कहा था कि जब आपके बहुत यू नो बहुत डिफिकल्ट दिन थे

नहीं मेरा मेरा कहने का मतलब ये था कि ऊपर वाले ने अगर आपको सब कुछ दिया दे। देखिए एक मैं जिस गांव से आया हूँ हो सकता है मैं गलत हूँ मैं हर मैं वहाँ पे हमने किसी को इस तरीके से देखा नहीं है क्योंकि वहाँ पे सुबह उठ के अपने जंगल में जाना खेत में जाना काम करना वापस आके मस्ती से अपना खा पी के सो जाना टाइप में हाँ प्रॉब्लम भी बहुत आती है दैट इज़ नॉट मीन कि वो हमेशा के लिए आ, मतलब बैठ जाते कि मैं तो डिप्रेस हूँ डिप्रेशन होता होता है लेकिन वो मुझे मुझे ख़ुद को शहर में आके पता चला यू नो नहीं मेरा कहने का मतलब, मतलब ये ये था अच्छा मेरा मैं मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप ऊपर वाले ने आपको सब कुछ दिया है पैसा दिया है फेम दिया है सब कुछ दिया है मन चाहे सब कुछ दिया उसके बावजूद भी अगर आप डिप्रेस हो रहे हैं तो आपका जो आपका जो पर्सन और आप बोल रहे हैं कि मैं डिप्रेस हूँ वो बहुत गलत जाएगा लोगों पर यू नो और आजकल के जो बच्चे हैं वो आपसे सुन के क्योंकि आप जिम्मेदार इंसान हो अगर आपसे सुन के वो दो दो मिनट में बोलने आज आज मैं डिप्रेस आज मैं डिप्रेस आपको आपको लगता है वो आपने जिस तरीके से इसको मतलब बना दिया कि डिप्रेशन जरा सी चीज में हम लोग डिप्रेस हो जाते हैं फाइट, फाइट बहुत जरूरी है हमें ये लेसन देना चाहिए आप देखिए आप जो जब बारिश होती है वो एंजॉय करते हैं है ना और वो को एक्सपेक्ट नहीं करते वो इन्जॉय कर रहे थे उनकी एनर्जी देख के मुझे इतनी खुशी होती है कि यार मैं हमेशा ना आप अपने से इन, इस तरह के लोगों को देखना चाहिए जब आप जब आप ये फील करते हो ना इस तरह की चीज़ फील करते हो तो आप उन लोगों को देखना चाहिए लाखों करोड़ों हजारों इंसान हैं हमारे कंट्री में है ना जो आप जैसे आप, आपके जैसा उन, उनके पास नहीं, नहीं होट इट्स To sit in your house and to see you reach this level, I think You get more opportunities, and I really hope that uh, the craft and the passion for cinema doesn't die. And uh, thank you so much, and all the best for Jogira Sararara, thank you very much. which is now uh, is going to be released, and I hope everybody watches it. Thank you, thank you, thank you so much, Namaz.